कैसे आप अपने वीवो मोबाइल में जंक को क्लियर कर सकते हैं और थोड़ी इंटरनल मेमोरी भी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल थोड़ा स्मूथली रन करे। तो यहाँ पर हम देखें तो इंटरनल मेमोरी रही है 261 MB। तो ये सिंपल ट्रिक्स है जिससे आप अपना स्टोरेज थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं समय समय पर, जब आपको एकदम ज़रूरत हो और आप कोई फ़ोटो या डिलीट नहीं करना चाहते, फ़ोटो वीडियो ज़रूरी। तो उसमें आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशंस एंड परमिशंस में जाना है। यहाँ पर ऐप मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उसमें जाना है और यहाँ से सॉर्ट बाय साइज़ करना है, ठीक है, ताकि जिन ऐप्स की साइज़ बड़ी है वो आपके सामने पहले आए। तो यहाँ पर कुछ ऐप्स आपको देखनी है, यूट्यूब जैसे 287 MB लिखा है, अंदर जाएंगे यहाँ पर तो इंटरनल स्टोरेज इसका हो गया 388 MB। तो इसका मतलब जो इसमें कैश मेमोरी है जो यूज़ नहीं हो आती है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, तो ये जंकी होता है। तो यहाँ से हमने क्लीन कर दिया तो 100 MB लगभग हमारे बच जाते हैं। इंस्टाग्राम में यहाँ पर आप देखेंगे कैश मेमोरी 145 MB, तो इसको भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रोम में यहाँ पर 26 MB। तो अगर आपको इंस्टेंट स्टोरेज चाहिए तो ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है। इसके अलावा और भी ऐप्स देख सकते हैं, जैसे कि एल्बम्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 164 MB। तो इतनी कैश मेमोरी इकट्ठा हो जाती है कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में, तो MX प्लेयर। तो इस तरीके से इन ऐप्स को खोल के आप क्लियर कर सकते हैं। जिन ऐप्स में ज़्यादा होता है इस टाइप का डेटा, व्हाट्सएप में उतना नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जिन ऐप में ज़्यादा हो सकता है ये कैश मेमोरी, उनके बारे में हमने देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ से काफ़ी, यहाँ पर गूगल में भी उतना नहीं मिलेगा। तो और भी आप ऐप्स देख सकते हैं जिसमें ये कैश मेमोरी ज़्यादा हो, उसको आप क्लियर करके स्टोरेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फाइल मैनेजर में स्टोरेज 561 MB हो गया है, जो पहले कम था। इसके अलावा यहाँ से स्पेस इज़ रनिंग आउट लिखा है, सिस्टम फंक्शंस आर रिस्ट्रिक्टेड, इसमें जाना है टैप टू क्लीन अप, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी देख सकते हैं 99% यूज़ हो चुका है और 559 MB अवेलेबल है। तो यहाँ पर स्कैन हो रहा है जंक फाइल्स के लिए, तो जो भी होगा जंक फाइल वो इधर आ जाएगी, उसको भी आप क्लियर करके थोड़ा स्टोरेज इंक्रीज़ कर सकते हैं यहाँ से। तो ये क्लीन अप हो गया, 15 MB बच गए। इसके अलावा आप यहाँ से देख सकते हैं और भी ऑप्शंस आते हैं आपके पास, व्हाट्सएप क्लीन अप, फ़ोटो क्लीन अप, वीडियो क्लीन अप, ऑडियो क्लीन अप, डुप्लीकेट फाइल्स। तो ये भी आप देख सकते हैं, लार्ज फाइल क्लीन अप, जिन फाइल्स की आपको ज़रूरत नहीं है वैसी भी चीज़ें ऐप यहाँ से देख सकते हैं क्लीन अप, ठीक है। तो काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑटोमेटिक क्लीन अप का भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने वीवो मोबाइल में, देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरेज इंक्रीज़ हुआ है 731 MB। यहाँ पर रैम एंड स्टोरेज स्पेस में आप देख सकते हैं रैम का क्या स्टेटस है, टोटल स्पेस अवेलेबल स्पेस कितना है SD कार्ड में। तो यहाँ से वही आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉरगॉटन वीडियोस, ऐसी वीडियोस जो आपने काफ़ी समय से नहीं देखी है, ऐसी ऐप्स जो आपने यूज़ नहीं किए काफ़ी समय से, ठीक है। और आपको ऑप्शन मिल जाता है क्विक स्लिमिंग का,
तो ये भी आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लार्ज फाइल क्लीनअप, ऐप क्लीनअप, तो ये आपको रिकमेंडेशन मिल जाती है यहाँ से। तो इस तरीके से आप अपना स्टोरेज स्पेस इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आप कोई काफ़ी ज़रूरत है स्पेस की अर्जेंटली, और आप कोई फ़ोटो वीडियो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ डिलीट नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से कैश मेमोरी डिलीट कर सकते हैं, जंक डिलीट कर सकते हैं, और अपना स्टोरेज स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, और इससे आपकी डिवाइस भी थोड़ी स्मूथ रन होगी।